साल के कार्यकाल में एक भी विकास कार्य नहीं करवाए ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से इस विषय में जानकारी लेने पर बैनर जानकारी दिए गए ही फोन कॉल से हुए दरकिनार, नहीं दी कोई जानकारी। मामला है जनपद बहरेज के विकास खंड मेहीपुरा ग्राम पंचायत विश्वनाथ गांव के मजरा कंतोहला का है, जहां पर हल्की सी बारिश से घमासान कीचड़ उत्पन्न हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को भी आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव में ही एक एक गली संवाददाता द्वारा कवरेज किए गए, कवरेज के दौरान कई गली ऐसे दिखे नहीं पड़े जो कीचड़ में तब्दील ना हो, वो भी इस तरह की लोगों भी पैदल निकलने में भी एक बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। काफी दिन से ग्रामीणों से घिरी हुई समस्याओं से आक्रोशित होकर गांव में धरना प्रदर्शन करने लगे। धरना प्रदर्शन कर रहे लोग ग्रामीणों ने से जानकारी मिली तो यदि हमारे ग्राम सभा कंतोहला 24 घंटे के अंतर में कोई विशेष कदम नहीं उठाएगा तो अमरण अनशन पर बैठेंगे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्राम प्रधान गीता देवी प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान सियाराम यादव 5 साल कार्यकाल में एक भी विकास कार्य नहीं करवाया। इनकी जानकारी संवाददाता जिब्राइल खान फोन द्वारा ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान से जानकारी लेने चाहे तो परंतु बिना जानकारी दी फोन से दरकिनार हो गए, जिस कॉल रिकॉर्डिंग हमारे संवाददाता के पास मौजूद है। मौजूद वर्तमान में 5 हबीबुर रहमान से मिली जानकारी के प्रधान प्रतिनिधि सियाराम यादव को दी, प्रधान कार्यकाल में ग्राम सभा कंतोला में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ था। हर विकास हर वर्ष में बरसात का मौसम नरेगा के स्तर से जो नाला सफाई करवाया जाता था, इस बार इस नाले की सफाई भी नहीं करवाई गई, जिससे गांव में कीचड़ तो ही है प्लस कई तरह की बीमारी उत्पन्न हो का भय बना रहता है। इस विषय में जब ग्राम प्रधान से 5 महादेव ने बात की तो ग्राम प्रधान ने साफ साफ ये कहकर दरकिनार किया गया कि आपके गाँव से ना तो हमें वोट मिला और ना ही तो हम कोई विकास कार्य आपके ग्राम सभा में करवा रहे पाएंगे। 5 महोदय से भी जानकारी मिली कि एक बार हल्की सी बारिश होने के भी यदि अगर बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाना चाहे तो लगभग 1 हफ्ते तक ना जा सकते हैं। कोई क्योंकि बारिश के दौरान कई घटना घट चुकी है जिससे बच्चों का अभाव भी काफी भयभीत रहता है, जिससे बच्चों की सीख शिक्षा भी ठप हो जाती है। जिब्राइल खान की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है? याकूब खान। किस ग्राम सभा की निवासी? मजरा विश्वनाथ। ये गांव कौन सा? कंतोहला। आप इसी गांव की निवासी हैं? हाँ, यही गांव के। अच्छा, आप लोगों को जैसे बाहर आने जाने के लिए साधन की व्यवस्था जो है? कोई व्यवस्था नहीं, बहुत तकलीफ है। 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है, हम लोग जा के परेशान हो गए उनके प्रधान जी के पास, काम नहीं हो रहा है। प्रधान जी ने क्या कहा आपसे? हो जाएगा, तुम लोग वोट नहीं दिए हो काम कैसे होएगा। अच्छा, प्रधान जी का साफ साफ कहना है कि वोट नहीं दिए हो काम नहीं होगा। हाँ। क्या नाम है? अलीम। किस ग्राम सभा की निवासी? विश्वनाथ। क्या समस्या है आप लोगों की? रोड नहीं बन रही है यहाँ पे, चाला इतना निकल नहीं पा रहे हम लोग। गांव के चारों तरफ का यही हाल है। ठीक है, 5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है प्रधान की तरफ से, एक ईटा कहीं गड़ा नहीं। ठीक है, 5 साल नहीं 9 साल हो गए, 9 साल के प्रधानी में एक ईटा कहीं गड़ाया नहीं है इसने, ना कोई काम किया है, ना नाली बनी है, ना चक्रोड बनी है। गांव के चारों तरफ यही हाल है, कच्ची रोड है, किधर से कोई रास्ता नहीं है गांव की तरफ, गांव के अंदर आवे के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना पैदल आदमी निकल पा रहे। अगर गांव में कोई समस्या हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो कोई हिसाब ना है कि गांव के अंदर से 4-व्हीलर लेके निकल जाए। इस गांव में लगभग कितने होटल हैं? इस गांव में करीब करीब 350 होटल है, 350-400 होटल है। प्रधान का नाम पता है आप लोगों को? सियाराम गीता देवी, प्रधानी वही करता है, सियाराम गीता देवी। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय में जब बच्चों को, जैसे स्कूल खुलने के समय बच्चों को आना जाना जो है, यही एक रास्ता है कि और कोई रास्ता है? दूसरा रास्ता है नहीं, बारिश की वजह से। स्कूल का रास्ता है ये जो। अरे भैया पढ़ना है, तुम कहे पीछे ऐसे ना।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। किस ग्राम सभा के निवासी हूँ? कंतोहला। ग्राम प्रधान की इन 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाए गए यहाँ पे? कोई काम नहीं हुआ। ये नाला पड़ा है, लोग नमाज पढ़ने को नहीं आ रहे, चाले में गिर जा रहे। कल भी एक गुड्ढा गिरा, देख लो नाला एकदम खराब है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, पैदल नहीं चल पा रहे लोग। गांव में नाली वाली कोई निर्माण हुआ? नाली का कोई बुनियादी नहीं, रेंजर का कोई रिपेयरिंग या कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है इस विषय में? कहना क्या, गांव में आप जाके देख लीजिए, कोई एक बच्चा निकल नहीं पा रहा बाहर, और न बाहर से अंदर जा सकता, सब घर में बैठे हुए हैं। कोई बुजुर्ग निकलता है गिर जाता है, बच्चे निकलते नाले में डूब जाते हैं। ना नाला सफाई होता, ना गांव का विकास होता है, ना खड़ंजा लगता है, ना नाली लगी। एक नाली नहीं बनी 10 साल नहीं 20 साल से देख लो जाके, आगे कभी बनी नहीं ना बनेगी। निर्माण ही नहीं हुआ है नाली का। इन्हें आपके गांव में कोई विकास के नाम पर कोई कुछ नहीं, कोई विकास हुआ ही नहीं। एक बल्ब भी नहीं लगा, यहाँ लाइट भी हुई है तो पैसे अपने पैसे लगा के लाए ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? किस ग्राम पंचायत की निवासी? ग्राम प्रधान के कार्यकाल में कितने विकास कार्य आपके गांव में करवाए? 10 साल से हमारे यहाँ प्रधान है और यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। कोई नाली वाली वगैरह वगैरह कोई खड़ा? यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ अब तक। ग्राम प्रधान का नाम क्या? सियाराम। सियाराम प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि? नहीं, गीता देवी है प्रधान।